अस्सलाम वालेकुम, सबका क्या हाल है? सब ठीक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग। 17 जुलाई को मेरी बर्थडे होती है एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु लव टू सेलिब्रेट बर्थडेज। वो अलग बात है कि अगर कोई मेरे लिए कुछ अरेंज करता है, बर्थडे सरप्राइज देता है, लेकिन ख़ुद से मैं बर्थडे सेलिब्रेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक मुझे नहीं पसंद। तो मेरी बर्थडे वाले दिन मेरी अम्मी की मुझे कॉल आई एंड शी सेड कि अक्सा आके मेरी बात सुन जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। उस टाइम मैं कुछ बिज़ी थी और मैं नहीं जा सकती थी। उस टाइम मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती। थोड़ी देर बाद उनकी फिर कॉल आई कि तुम थोड़ी देर आके मेरी बात सुन जाओ। खैर, मैं वहाँ गई। मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं अम्मी ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो मुझे बुला रही हैं। मेरी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है और जिसे कहते हैं ना छठी हिस्स, वो मेरी बहुत स्ट्रांग है और मेरी हमेशा जो बात होती है ना वो सच होती है। खैर, मैं वहाँ गई तो वहाँ जाके मुझे ये सरप्राइज़ मिला। ये सब कुछ मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने अरेंज किया हुआ था माशाल्लाह। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें क्या रिएक्शन दूँ। मैं एट द सेम टाइम हंस भी रही थी और मुझे एट द सेम टाइम समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ। और मुझे ये कह रही थी कि कोई रिएक्शन तो दो, तुम इतना ठंडा रिएक्शन क्यों दे रही हो, क्या तुम्हें सरप्राइज़ नहीं हुई हो? तो मैं उन्हें क्या बताती कि कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग बिल्कुल स्ट्रांग थी कि ये सब कुछ होने वाला है। खैर, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। मुझे ना केक कट करना बहुत ऑकवर्ड लगता है। मुझे सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा था। कोई आपके लिए इतनी एफर्ट्स करता है तो अब उन्हें कभी मायूस नहीं करना चाहिए। और एज़ यूजल ज़ैनब को केक काटने का बहुत शौक़ है, उसने हर चीज़ में अपना हिस्सा डालना होता है। मेरे नेफ्यूज़ और नीस सब उधर थे और उन सब ने माशाल्लाह मिलके मेरे लिए अरेंज किया था, सो आई लव्ड इट। मैं वो बंदी हूँ जो दूसरों के लिए सरप्राइज़ प्लान करती हूँ। मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, कोई भी डे हो या बर्थडे हो, मुझे डिफरेंट केक्स बनवाना अच्छा लगता है, डिफरेंट केक के आइडियाज़ अच्छे लगते हैं। बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो मैटर करती हैं। इसके बाद जी हमने मंगवाए थे कुछ आइसक्रीम शेक्स फ्रॉम ग्रैंडपा आइसक्रीम। इनके मैंने आइसक्रीम शेक फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। स्ट्रॉबेरी वाला बहुत मीठा था लेकिन न्यूटेला आइसक्रीम शेक दोनों बहुत अच्छे थे। आप लोग मुझे बताइएगा, आपको कोई जगह का पता हो गुजरात में जहाँ अच्छे शेक्स मिलते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे जी मैं ज़ैनब की ऑयलिंग करने लगी थी। गर्मी इतनी हो गई है, मैंने ज़ैनब की ऑयलिंग करना छोड़ दी थी क्योंकि एक गर्मी और ऊपर से ऑयलिंग। वीकेंड था तो मैंने कहा चलो ज़ैनब की मैं ऑयलिंग कर ही लेती हूँ। काफ़ी देर हो गई थी मैंने नहीं की थी। अगेन टेलिंग यू, ये मेरा बहुत बेस्ट ऑयल है, बहुत फेवरेट ऑयल है नेचर नेस्ट बाय सना आबिद का। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनकी आजकल सेल भी लगी हुई है, सो मस्ट चेक आउट देयर पेज। यहाँ पे जी मैं ज़ैनब को समर वेकेशन का होमवर्क करवा रही थी। ज़ैनब ने ऑलमोस्ट अपना समर पैक फिनिश कर लिया है, बस उसका उर्दू का सेक्शन है जो थोड़ा रहता है। बिफ़ोर यू गाइस आस्क कि ज़ैनब फिर ट्यूशन में क्या करती है, ज़ैनब ट्यूशन में लर्निंग करती है और रिटर्न वर्क उसे मैं करवा लेती हूँ। इस तरह बहुत सा टाइम वेस्ट नहीं होता, बच जाता है। अगर वो ट्यूशन में राइटिंग करने बैठेगी तो वो फिर लर्निंग किस टाइम करेगी, तो बस इसीलिए मैंने काम डिवाइड कर लिया हुआ है। समर वेकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं और मुझे अगस्त में ज़ैनब का समर पैक सबमिट कराना है, तो बस आजकल मैं उसे यही करवा रही हूँ। गुजरात में काम वाली सरकार का मेला होता है, यकीनन जितने भी गुजरात के लोग हैं उन्हें पता होगा। और मेले पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मैं पर्सनली कभी ख़ुद भी नहीं गई और ना मैंने कभी ज़ैनब को जाने दिया है, लेकिन ज़ैनब को अपनी कज़न से देख के इन बर्तनों का शौक़ आया हुआ था जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो मैंने उसे फिर ये मंगवा दिए थे। और मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हुआ इन्हें देखकर। एक टाइम पे मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं भी इनके साथ बहुत ज़्यादा खेली हुई हूँ, और आज मेरी अपनी बेटी इनके साथ खेली है। लाइक वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। मैं ज़ैनब को रोज़ाना एक फ्रूट मस्त देती हूँ, कोई भी फ्रूट हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन मैं एक फ्रूट उसे रोज़ाना का मस्त देती हूँ। लेकिन ज़ैनब को जब से बुखार हुआ था उसके बाद से उसने फ्रूट खाना छोड़ दिया, आई डोंट नो वाई। तो यहाँ मैं उसके लिए 3 किस्म के फ्रूट काट के लाई थी कि कुछ तो खाएगी, और इसमें से उसने माशाल्लाह मैंगोज़ खा लिए थे। उसे मैंगोज़ पसंद भी बहुत हैं। ज़ैनब बहुत पिकी है फ्रूट्स के मामले में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे हर तरह का फ्रूट खिलाऊँ। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने बर्थडे गिफ्ट्स जो मुझे रिसीव हुए थे। और इस पे मैं उस बर्थडे गिफ्ट का भी जिक्र करूँगी जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने लाहौर से भेजा था। चलें आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आप पिंक वाला देख रहे हैं, ये मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया है, ये एक रेडीमेड सूट है। इसके बाद जी जो आप ब्लू कुर्ता देख रहे हैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, ये सफ़ायर का कुर्ता है। और साथ में ये बहुत ज़बरदस्त सा डेकोरेशन आइटम है, ये है रेजिन के प्रोडक्ट्स, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। और हम दोनों काफ़ी देर से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, कलर कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और उसने मुझे मेरी बर्थडे पे यही गिफ्ट कर दिया। लाइक हाउ क्यूट। इस डोनट वास के अंदर पैम्पस ग्रास अच्छी लगती, लेकिन मुझे कहीं से भी पैम्पस ग्रास नहीं मिल रही अच्छी क्वालिटी की। बहुत एस्थेटिक वाइब आती है इससे, किसी भी आप साइड टेबल पे रख लें या अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी आप रखें, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये।
और साथ में ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे, ये है नेचर नेस्ट बाय सना आबिद के न्यूली लॉन्च हेयर मिस्ट। दे नो माई लव फॉर दिस ब्रांड एंड हेयर केयर, सो दे गिफ्टेड मी दीज मिस्ट। लेट्स सी ये कैसे हैं। इनमें से एक है मस्की फॉरेस्ट और एक है लव ड्रॉप। मैं इसे यूज़ करके बताऊँगी ये कैसे हैं और किस लिए हैं। और साथ में आप ये देख रहे हैं कवर, फ़ोन कवर है। मैंने ऑलरेडी ये एक फ़ोन कवर लिया हुआ था लेकिन वो मुझसे पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, कोई पता नहीं चला। ये एक होलोग्राफिक फ़ोन कवर है और ये मुझे काफ़ी पसंद था तो मुझे फिर से दोबारा मिल गया एज अ गिफ्ट। बस जी आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे बर्थडे का व्लॉग। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।